नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टीम बीबीएफ में। एंड आज हम जा रहे हैं 5 परिवार को रोजगार देने के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि टीम बीबीएफ हर उस इंसान की मदद करती है जिसे मदद की सख्त जरूरत है। तो आज हम निकल रहे हैं 5 महिलाओं को रोजगार देने के लिए। आज हम सबसे पहले सिलाई मशीन खरीदेंगे, क्योंकि महिलाएँ आगे बढ़ेंगी तो ही देश आगे बढ़ेगा। तो चलते हैं, आज की सफर की शुरुआत करते हैं। कहीं लगता ही नहीं है, एक दिन लग जाता है, 4-8 दिन नहीं लगता है। मशीन दे दो, वो मशीन भी चला सकते, अपने बच्चों को पेट पाल सकते। भैया यहाँ कुछ भी नहीं है, ठेकेदार पैसे नहीं देते हैं, काम भी करा लेते हैं, 6-6 मंजिल पैसे नहीं देते हैं। हाँ जी, रुपये कट्टा ले जाते, सब कुछ लीली सब कुछ ले जाते हैं, पर पैसे नहीं देते हैं। फोन बंद कर लेते हैं अपना अपना, कुछ भी नहीं देते हैं। क्या काम करते हैं आप? बेलदारी कहते हैं जी। उसमें क्या करना पड़ता है? उसमें सीमेंट उठाना पड़ता है, सीमेंट का कट्टा ले जाना पड़ता है। भैया मशीन चला लेंगे। कौन सी वाली? कोई सी भी, पैदान दे दोगे, हाथ वाली दे दोगे, कोई सी भी आप दे दोगे, मैं चला लूँगी, अपना बच्चों के अपने लिए पेट भर लूँगी। कपड़े सिलने वाली मशीन? हाँ जी, अभी कोई भी दे दो, उससे ब्लाउज सलवार सूट है, किसी की साड़ी आरी है, वो भी दबाना वाना सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, हाँ जी। कहाँ पर करेंगे ये काम फिर आप? यहाँ कर लेंगे, फुटपाथ पर कर लेंगे, जहाँ चलेगी वहाँ ले जाएंगे फिर। अच्छा, हाँ, कहीं यहाँ नागल के यहाँ यहीं अपने झुग्गी में जैसे आने लगेंगे लोग तो ठीक है, नहीं तो फुटपाथ पर रखेंगे। okay. चलाएंगे उसको। पहले क्यों नहीं आपने ये काम शुरू किया? नहीं भैया, पैसे नहीं थे, कहाँ से करें मशीन के लिए। हाँ, पैसे नहीं है, काम वाम लगता तो ऐसे चलो ले लेते थोड़ी बहुत पुरानी वुरानी, लेकिन काम ही नहीं लगा, कहाँ से ले भैया, बच्चों को तो पेट नहीं भर पाए, कहाँ से लेंगे। कब से इच्छा थी काम करने की आपको? ऐसे बहुत दिन से है भैया, जब मेरी शादी नहीं हुई तो उससे पहले की इच्छा तो। अच्छा, हाँ, पर जब से नहीं, शादी से पहले से आपकी इच्छा है? हाँ, अपनी दुकान खोलने की। दुकान खोलने की, लेकिन इच्छा पूरी हो ही नहीं पा रही। अभी हमने उनसे बातचीत की है तो काफ़ी उनकी, उन्होंने बताया कि उनकी शादी से पहले एक विश थी अपनी एक दुकान खोलने की सिलाई मशीन की, लेकिन नहीं खोल पाए क्योंकि पैसे नहीं है। तो आज चलते हैं, उनकी ये विश पूरी करते हैं, सरप्राइज देते हैं उन्हें। ले आए मशीन आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ठीक है, शुक्रिया, आपने बहुत मदद की मेरी, मेरी खुराक पूरी कर दी आज के दिन। इच्छा थी ना आपकी? हाँ, बहुत इच्छा थी, मैं जब से पैदा हुई जब से इच्छा थी लेकिन आज इच्छा पूरी हुई मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लो टेबल भी है। कहाँ रखेंगे? यहीं रखेंगे। यहीं रखें, लीजिए लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मदद की मेरी, जब से मैं पैदा हुई जब से मैं खुराक सी रही हूँ, मशीन चलाऊंगी, मशीन नहीं थी मेरे पास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज आपके पास मशीन भी है, बाकी सामान। इतनी मदद की तो है आपने मेरी, इसने तो कोई भी नहीं कर सकता, मेरे माँ बाप ने भी नहीं इतना तक किया जितना आपने मेरे लिए किया भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खोलिए इसको, कैंची दे, ये लीजिए कैंची। चला के देख लीजिए एक बार। ठीक। हाँ, और ये है धन्यवाद भैया कैंची।
ठीक है। आपके मम्मी को, आपके पापा को, आपके भाई को, बहन को, सबको खुशियाँ मिले मेरे परिवार की तरह से। ये तो जिन्होंने भिजवाया उनको दीजिए। नहीं नहीं, उनको भी खुशियाँ बहुत दे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी जिसने भेजी मेरे लिए, उनको भी बहुत बहुत खुशियाँ मिला भगवान मेरे परिवार की तरफ से। गरीब आदमी की मदद की आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मदद की आपने मेरी। ठीक है, फिर हो जाएगा इससे कम? हाँ जी, हाँ जी भैया, बहुत अभी मेहनत मत दूर से बची। हाँ। आपने मेरा इच्छा पूरी कर दी। तो बहुत दिन से खुराक थी कि मशीन चलाऊंगी, लेंगी, लेकिन नहीं हो पाया भैया। अब हुआ मेरा। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जिसने दिया, उनको भी धन्यवाद मेरी तरफ से। दुकान शुरू कीजिए अपने। हाँ जी, हाँ जी। फिर मिलेंगे आपकी दुकान में। ठीक है, आगे ठीक है, ठीक है। अगली बार आएंगे तो सीधा दुकान पे मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, जरूर मिलना। तो विनीता जी की दुकान खुल गई है, खुशियाँ आप देख सकते हो। तो मिठाई आ चुकी है हमारी। हाँ हाँ भैया, पहले पहले आप खाइए। नहीं नहीं, आप खाओ, पहले आपने दी है मेरे को, आप खाइए। आप लीजिए, आपके आज पहले वो पूरा हो गया ना, आज क्या बोलते हैं बचपन की। हाँ जी, हाँ जी, मेरी आज पूरी मुराद। खाइए खाइए। इतनी खुशी बचपन का भी नहीं हुई, जो मम्मी पापा ने भी नहीं दिया लेकर ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशियाँ मिले उनको, बहुत ज्यादा। तो पहले परिवार की दुकान खुल गई है, अब बढ़ते हैं दूसरे परिवार की ओर। चलिए, नाम पूजा। काम को पैसे नहीं आ रहे, काम ऐसे लग रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, तो काम काम भी नहीं लग रहा, काम नहीं लग पूरा पूरा, ऐसे लगता है कभी लगता है कभी नहीं लगता, खर्चा मिट जाते फिर। आगे मशीन आपकी? आगे मशीन जी जी। भगवान तुमको जो भाई दान में दे रहे हैं हमको गरीब को, तुमको भगवान बहुत खुश रखे, उनकी भक्ति उनकी तमन्ना पूरी करे, उनकी तमन्ना पूरी करे ईश्वर, हमको हमेशा आपको आगे बढ़ाए रखा करे। ये गरीब के लिए जो भाई दया करते हैं, उनकी बच्चे भी आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े, जिन भाई ने ये भेजे हैं, जिन भाई ने हमको लाके दे रहे हैं, उनकी बाल बच्चा हमेशा खुश रहे। इन गरीबों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ दुआ है। पैर वाली सिलाई मशीन, ठीक है फिर। सिलाई मशीन
यहीं पर घर है ये फुटपाथ के ऊपर, यही है ना आपकी झुग्गी? ये फुटपाथ के किनारे ये झुग्गी बनी हुई है और यहीं तो बाहर ही चूल्हा है और यहाँ तो मेरा लग जाएगी जो यहाँ आया और यहाँ पे रोड पे लोग आ जाएंगे सिलवा लेंगे। चलिए इनकी दुकान यहाँ पे खुल चुकी है, इन लोगों की दुकान खुल चुकी है, अब चलते हैं चौथे परिवार की दुकान खुलवाने के लिए। ये लीजिए मशीन। हमारी चौथी दुकान नीलम जी की खुल चुकी है, अब बढ़ते हैं पांचवी दुकान की तरफ। क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी, अच्छा। मशीन के लिए पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, इसलिए नहीं खरीद पाई। ये सब सामान होता ना? हाँ। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।